गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस मीन होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वो बाय क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। पी इज न्यूमरेटर एंड क्यू इज डिनोमिनेटर। डेसिमल्स मीन्स होता है पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए 238.7 तो निकालेंगे 238.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स होता है वन नंबर इंटू अदर नंबर। फर्स्ट नंबर से वन नंबर से सेकेंड नंबर या अदर नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिजल्ट आता है इसका प्रोडक्ट। 4 × 3 = 7, that means 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, तो 4 × 3 = 7, so 4 × 12 = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 5 × 5 = 9। क्वेश्चन नंबर सी, 15 × 32 × 24, सो 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32, सो 15 × 4 × 3, 15 × 3 = 45 × 45 = 4। क्वेश्चन नंबर डी, 3 × 4 = 5 × 12, ये मिक्स फ्रैक्शन छूट दिया, इसे नॉर्मल बनाएंगे, 5 × 5 = 9 × 2 = 28 × 5 = 5. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंपलीफाई। सेकेंड का फर्स्ट इज 1/3 ऑफ 21/16 ऑफ मीन मल्टीप्लाई, सो 1/3 × 21/16, तो 3 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 1 × 16 = 16, so value is 7/16. Is it time to next? 5/4 of 18/25, 5/4 × 18/25 of all of that. 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 5 × 5 = 25, so 9 × 9, 5 × 10, so there is no 9/10. Question number C, 5/9 of 18/25, so 5/9 × 18/25, 9 × 9 = 18, 5 × 5 = 25, value of 1 × 2 upon 1 × 5 × 2 upon 5. Question number D, 4/5 of 1/4.
16 plus 9 25 plus 16. 5 and 5, 5 are 25, 4 and 4, 4 are 16. So 1 into 5 equal to 5, 1 into 4 equal to 4. That is 5 by 4.